कुछ टाइम पहले यहाँ पर इनकी एक वीडियो काफी ज्यादा वायरल हुई थी आर माधवन जी की, जिसमें ये बता रहे थे कि इन्होंने अभी रिसेंट ट्रांसफॉर्मेशन करी थी, बिना किसी चीज के, बिना किसी वर्कआउट के, कुछ भी नहीं कराते, इन्होंने केवल डाइट से इसको कम करा था। क्या एक्चुअल में ऐसा हो सकता है? आइए इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर बहुत सारे लोग सोचते हैं भाई हम तो जिम जा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, अगड़म तगड़म कर रहे हैं, और यहाँ पर बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ कुछ नहीं करते, डाइट प्लान फॉलो करते हैं, ऐसे करते हैं, वैसे करते हैं, कम हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल आर माधवन जी, जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं, तब यहाँ पर ये हुआ कैसे, कैसी चीज़ें ऐसे पॉसिबल हो गई? तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, कम शब्दों में अगर मैं आपको बात बताऊँ, यहाँ पर देखिए बहुत बढ़िया तरीके से साइंस यहाँ पर अप्लाई की गई। उन्होंने खुद बताया कि मैं केवल साइंस पर बिलीव करता हूँ, साइंस पर बिलीव करके ही मैंने ट्रांसफॉर्मेशन करी। Was good for my body. No exercise, no running, no surgery, no medication, nothing. This was me while I was directing the film. As my real stomach. Yeah. And after 21 days, and look, everything is done with food. Sorry, I'm sounding like a doctor, but hey, you know what? A great part of my life is science. Yeah. Science पर believe करने का मतलब क्या है? आपने अपनी माइक्रोन्यूट्रिएंट मैक्रोन्यूट्रिएंट ट्रैक करें, यानी अपने कार्बोहाइड्रेट फैट्स प्रोटीन ट्रैक करा, और बस उनको थोड़ा ट्रैक करके उनको थोड़ा बैलेंस मात्रा में कंज्यूम करा, और आपकी उनकी बॉडी में ऑटोमेटिकली फैट श्रेड कर दिया। हाँ, जाहिर सी बात है भाई, वॉकिंग इंक्लूड करते हैं, कार्डियो वगैरह इंक्लूड करा जाता है, बैठे बैठे नहीं होता है, थोड़ा बहुत वॉकिंग, थोड़ा बहुत इंटेंसिटी रखनी पड़ती है अपनी उसमें रूटीन में। हाँ, उन्होंने कहा कि मैं कोई जिम वगैरह नहीं करता, केवल मैं नॉर्मल डाइटिंग करी, बस वेट लॉस हो गया, उसमें कार्डियो इंक्लूड होगा, जाहिर सी बात है, और ये हुआ, और यहाँ पे रिजल्ट आपके सामने। तो आप देख सकते हैं दोस्तों कि यहाँ पर हमारी बॉडी केवल कितने अच्छे तरीके से, केवल डाइटिंग से कितना अच्छा रिस्पॉन्ड कर सकती है। अगर हमें ट्रांसफॉर्मेशन करनी है तो यहाँ पे भी ऐसे करा जा सकता है। अब इसके पीछे कितनी सच्चाई है, तो यहाँ पर अगर साइंस की तरफ से देखा जाए दोस्तों, तो साइंस यहाँ पे 100% प्रूव होती है कि यहाँ पर अगर आप अपनी कैलोरीज, फैट, प्रोटीन को काउंट करेंगे, मैं भी अगर अभी करना शुरू कर दूँ, तो यहाँ पर मेरी बॉडी में भी बड़े आराम से 1-2 kg फैट कम होने लगेगा, केवल हल्के से कार्डियो से और डाइट में कैलोरी कम करने से, ज़्यादा कुछ एफर्ट नहीं लगाना होगा। और देखते ही देखते आप भी इस चीज़ को ट्राई करके देख सकते हैं, आपकी बॉडी में से भी फैट कम हो जाएगा। इस चीज़ को ट्राई करके देखना होगा, बस ज़्यादा कुछ नहीं करना होगा। और सबसे बड़ी चीज़ फिर से मैं आपके दिमाग में डाल रहा हूँ, मसल बिल्डिंग नहीं है, ये फैट टू फिट ट्रांसफॉर्मेशन है। इसको करने के लिए आप अपनी डाइट को क्लीन करेंगे और आपकी बॉडी में से फैट लॉस हो जाएगा। कुछ की पॉइंट्स जो कि हमें ध्यान रखने होंगे अगर हम इस तरह से आर माधवन सर जैसे ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, सबसे पहली चीज़ हमें कैलोरी डेफिशिएट में जाना होगा, दूसरी चीज़ हमें वाटर इंटेक अच्छी रखनी होगी, तीसरी चीज़ हमें अपनी रिकवरी अच्छी रखनी होगी, यानी हमें अपनी डाइट बैलेंस रखनी होगी, स्लीप अच्छी रखनी होगी। ये तीनों चीज़ें बैलेंस होगी तो भाई रिजल्ट आपके सामने है। आप ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन खुद भी 15-20 दिन के अंदर बड़े आराम से कर सकते हैं। 15-20 दिन के अंदर अगर इतना ज़्यादा होगा तो नहीं, पर हाँ थोड़ा बहुत आप कर सकते हैं, बहुत ही आराम से आपकी बॉडी में रिजल्ट आ जाएगा। आप ट्राई करके देख सकते हैं, जितना आपका जो वेट है उससे आप कम होते हुए अपने आप को देख सकते हैं, चाहे जितना भी केजी हो। कई लोगों का ज़्यादा वाटर वेट होगा तो तेज़ी से कम होगा, थोड़ा फैट डिपोजिट होगा तो थोड़ा टाइम लेगा, वाटर वेट तो बहुत जल्दी चला जाता है, जो स्वेलिंग होती है बॉडी में जब आप शुगर छोड़ते हैं, सॉल्ट इंटेक कम करते हैं, तो बहुत तेज़ी से कम हो जाता है। तो जी हाँ दोस्तों, ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है ये पॉसिबल है बिना स्टीरॉयड के, बिना किसी चीज़ के। जिन लोगों को लगता है ना भाई स्टीरॉयड, हर एक चीज़ में स्टीरॉयड आता है, तो यहाँ पर स्टीरॉयड वगैरह नहीं लिया गया, तो यहाँ पर कम्प्लीटली आपको दिख भी सकता है कि भाई यहाँ पर किस तरीके से बॉडी में जो है रिजल्ट वो आया है। बाकी उम्मीद करता हूँ आपको छोटी सी वीडियो पसंद आई होगी। हम यहाँ पर मैंने भी जो चीज़ रखी, मैंने कोई ये नहीं रखा, मैंने भी साइंस बेस्ड चीज़ ही रखी, मैंने रिसर्च करके देखा है, जो भी चीज़ें पढ़ते पढ़ते ट्राई करके देखते हैं, लोगों के ऊपर भी इंप्लीमेंट करता हूँ मैं, जैसे कि ट्रेनर हूँ, मैं ट्राई करके देखी, मेरे को भी लगा कि हाँ भाई ये चीज़ जेन्युइन है, आपके आज तक शेयर करी जाए। तो जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल नेचुरल है, आप भी ट्राई करके देख सकते हैं, आपको भी रिजल्ट काफ़ी अच्छा मिलेगा। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय श्री राम।